ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, आज का युग मशीनी युग है, तो मशीन जिस प्रकार एक ढर्रे पर चलती है, एक गति से चलती है, वो उसी गति से चलती रहती है। उस गति से आप घड़ी मिला लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो एक गति से बस चलती रहती है, वो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि उसका चलना वैसा ही है। लेकिन यदि मनुष्य भी उसी गति से अपने जीवन को चलाना लग जाए, यानी कि मनुष्य भी घड़ी की गति से चलने लग जाए, तो उसके जीवन में तनाव आना स्वाभाविक है। मित्रों, आज हम जब देखते हैं लोगों को हर काम घड़ी की नोक पर करते हैं, अर्थात सुबह उठेंगे, उठने का मन है नहीं है, पर उठना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं उठे तो काम पर नहीं जा पाएंगे, काम पर नहीं जा पाएंगे तो काम नहीं होगा, तो काम पर जाना है, घड़ी की नोक पर निकल लिए। उसके अलावा घड़ी की नोक पर हर काम, हमने यहाँ तक देखा है कि लोग घड़ी की नोक पर भोजन भी करते हैं, लोग घड़ी की नोक पर सोते हैं और घड़ी की नोक पर उठ जाते हैं, खेलते भी घड़ी की नोक पर हैं, परिवार के साथ समय भी बिताते हैं तो घड़ी की नोक पर हैं। तो जिन लोगों का हर काम मात्र और मात्र घड़ी की नोक पर चलता है, यानी कि घड़ी की सुई जितना चलती है, वो उतना ही काम करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, समय खत्म, काम खत्म। यदि आप हर जगह ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो विश्वास करिए आपके दिमाग से कभी घड़ी नहीं निकलती, और घड़ी नहीं निकलेगी तो आपका जीवन भी कभी तनाव मुक्त नहीं हो सकता। मित्रों, अब यदि आप अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं, तो आपको जीवन कैसे जीना है, कुछ एक समय ऐसा करिए कि घड़ी को बंद करके, यानी कि उसको मोड़ के रख दीजिए, घड़ी देखनी ही नहीं है। कब नहीं देखनी है? जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, जब आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तब आप घड़ी को मत देखिए। यदि उस समय आप घड़ी देखते हैं तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी बार बार घड़ी का टाइम याद आता है, अरे इतना समय हो गया, अरे इतना समय हो गया, और दोनों ही तनाव में बने रहते हैं। वैसे ही जब आप ईश्वर को याद करते हैं, तब घड़ी को घुमा के रख दीजिए, क्योंकि यदि आप उस समय घड़ी को देखते हैं, हाँ अपने भीतर की घड़ी को जागृत रखिए कि मुझे इतनी देर ये क्रिया करनी है, बस वो घड़ी आपको बता देगी। तो आप इस तरह करिए। वैसे ही जब आप पति पत्नी हैं और साथ में समय बिताते हैं, उस समय घड़ी को हटा दीजिए, क्योंकि यदि आपने घड़ी सामने रखी है तो आप घड़ी की नोक पर ही चलते रहेंगे, और उस समय यदि आपने घड़ी की नोक पर आप चल रहे हैं, तो जो पल आपको अपने लिए निजी जीवन के आनंद के सब क्षण थे, उन क्षणों में आपने घड़ी देखी, तो आपके आनंद में घटोतरी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि उस समय आप जो मानसिकता बनाते हैं, जैसे भी मानसिकता बनाते हैं कि अरे इतना टाइम हमें मिला, वो टाइम यदि आपकी मानसिकता से कम हुआ तो भी आपका समय गड़बड़ हो जाएगा, और अधिक हुआ तो हैं वो भी हो जाएगा। दोनों ही स्थितियाँ आपके मस्तिष्क के लिए घातक होती हैं, और ये हर जगह ऐसा ही होता है। मित्रों, मैंने ये उदाहरण विशेष करके इसलिए दिया क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं हमें टाइमिंग बढ़ानी है, हमें अपने निजी समय की टाइमिंग बढ़ानी है। मित्रों, टाइमिंग कुछ नहीं होती है, टाइमिंग मात्र आपके मस्तिष्क में और घड़ी में है। यदि आप घड़ी को घुमा के रख दें, आप जितनी देर में संतुष्ट होते हैं उतनी ही आपकी टाइमिंग होती है, उससे अधिक कोई टाइमिंग नहीं होती है। यदि उससे अधिक आप टाइमिंग लेने जाते हैं तो आप मात्र हर चीज़ को ढोते हैं, और ढोना समस्या का समाधान नहीं है। और यदि आप समाधान सही तरीके से चाहते हैं तो ढोना बंद करिए, जीना आरंभ करिए। घड़ी की नोक पे हम हर चीज़ को ढोते हैं। मित्रों, हर काम हमने माना कि ऑफिस का टाइम होता है, हमने माना कि बच्चों के स्कूल का समय होता है, लेकिन हर जगह वो समय संभव नहीं है। आप जब घर में हैं तो घर की तरह रहिए, घर में हैं तो परिवार के साथ रहिए, घर में हैं तो अपनों के साथ रहिए, और अपनों के साथ जब हम समय बिताते हैं तो उसमें समय की कोई मर्यादा नहीं होती है, समय असीमित होता है वो। और यदि उसमें हमने घड़ी देख ली तो हमारी समय की सीमा बंध जाती है। अपने आप को उन बंधनों से मुक्त करिए। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, यदि आप खुश रहना चाहते हैं, यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो घड़ी की नोक से बाहर निकलिए। हाँ, कहा ना ऑफिस और बच्चे के स्कूल के टाइम पे घड़ी की नोक ठीक है, बस उसके अलावा नहीं। क्योंकि यदि आप बच्चों को देखते हैं, बच्चा इतनी देर खेला, बच्चा इतनी देर पढ़ा, तो हमें दिमाग में आता है
कि अरे वो ज़्यादा खेल लिया, अरे उसने कम पढ़ाई की। नहीं, पढ़ाई मस्तिष्क से होती है। वो बच्चा चार घंटा आपने बोला, चार घंटा बैठा रहा लेकिन पुस्तक लेके बैठा रहा, तो पढ़ाई कहाँ हो गई उसकी। पर उसके स्थान पर उसने दो घंटे पढ़ाई की और ढंग से पढ़ाई कर ली, तो दो घंटे में भी वो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है। और यह हमने देखा है। आप कहेंगे अरे वो आधा घंटा ही पढ़ाई करता है। मित्रों, ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो पढ़ाई के नाम पर अधिक कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, पर हाँ वो अच्छे नंबर भी ले आते हैं और उनको समझ में भी सारी बातें आ जाती हैं। मित्रों, आज हम देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में माता पिता ना जाने क्या क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, घर में भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको घड़ी की नोक से बांध रखा है, उनको आपने खेलने के लिए अधिक समय नहीं दिया। मित्रों, जब बच्चा खेलेगा तो उसके मस्तिष्क का विकास होता है, और जब बच्चा खेलता है उसको घड़ी में मत बांधिए, क्योंकि खेलने में ही उसका विकास ज़्यादा होगा। जब वो मन से खेलेगा और मन रख के खेलेगा, मन छोड़ के खेलेगा, तो वो मन छोड़ के पढ़ाई भी करेगा। मित्रों, बहुत ही सरल है ये क्रिया करना। घड़ी की नोक को छोड़ देते हैं, कुछ समय जहाँ घड़ी बंधी है वहाँ उसके अलावा घड़ी छोड़ देते हैं, तो आप जीवन का आनंद कितना आता है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मित्रों, ये आपके हाथ में, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, यदि आप सोचते हैं कि हमारे देह में कार्यक्षमता कम है, या हम घड़ी की नोक से निकलना चाहते हैं, हमारी आत्मशक्ति को हम जगाना चाहते हैं, हाँ आपको लगेगा कि आरंभ में हमें परेशानी ज़्यादा हो रही है, हाँ कुछ दिनों की आपको परेशानी होगी, बच्चे आपको लगेगा कुछ दिन परेशान कर रही है, लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी उन पर समय ले सकते हैं। अभी बच्चा थोड़ा पढ़ाई में पिछड़ जाएगा तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन आगे जाके जो पिछड़ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी उस पर आप ट्रायल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जब तक बच्चा छठी सातवीं में है आप ट्रायल आराम से ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको बताएंगे तो ही सही काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप इसमें से अपनी घड़ी को हटा देते हैं तो देखिए जीवन कितना सुखमय होता है। करके देखिए, अच्छा लगेगा। और यदि आप अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो विवरण के वीडियोस देखिए। कोई रोग विशेष है तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनमें हमने बहुत सारे रोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए। और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम विस्तार से दिया हुआ है। नियम पालन प्राणायाम करने से, इस वीडियो में भी दिया हुआ है, नियम पालन प्राणायाम करने से आप अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। और मानसिक रोग है या उसके लिए हमने विचारों को बदलने के लिए अवसाद है, मनन क्रिया है, संभव, ये प्लेलिस्ट हमने दे रखी है, ये आपको आपके विचारों को बदलने में आपकी बहुत सहायता करेंगी। तो आप उन सबको देखिए, और आप यदि उसका पालन करते हैं तो आप अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। और वीडियो विवरण के जो वीडियोज़ हैं, जहाँ नियम पालन प्राणायाम की वीडियो है, उनमें मेरा नंबर भी है, लेकिन फ़ोन करने से पहले नियम पालन प्राणायाम अवश्य करें। और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करें, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।